Hello friends, welcome to the class world. Welcome in the class world. आज हम आपके लिए लेके आए हैं दुनिया की सबसे खतरनाक रहस्यमय द्वीप, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। खुला आसमान, बर्फ की चादर, सफेद पहाड़, हरे भरे जंगल और कलकल बहती नदियाँ, ये प्रकृति का बेहद आकर्षक चेहरा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकृति के अंदर एक सुंदर हिस्सों पे अपना अधिकार जमाया है। वो अपनी एक अलग दुनिया बसा चुके हैं, जहां किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। आसमान से अगर इस द्वीप का नजारा लिया जाए तो ये किसी भी आम आइलैंड की तरह एकदम शांत और खूबसूरत है। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ऐसा है जिससे ना तो पर्यटक और ना ही मछुआरे इस द्वीप पर जाने की हिम्मत जुटा पाते हैं। शायद वे भी ये बात जानते हैं कि अगर एक बार यहाँ पहुंच गए तो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। प्रशांत महासागर के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर एक ऐसी रहस्यमय आदिम जनजाति रहती है जिसका आधुनिक युग या इस युग के किसी भी सदस्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। वह ना तो किसी बाहरी व्यक्ति के साथ संपर्क रखती है और ना ही किसी को खुद से संपर्क रखने देती है। जब भी उनका सामना किसी बाहरी व्यक्ति से होता है तो ऐसी हिंसा जन्म लेती है जिससे उस बाहरी व्यक्ति की मौत लगभग निश्चित है। वर्ष 2006 में गलती से इस आइलैंड पर पहुंचे मछुआरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस जनजाति के लोग आग के तीर चलाने में माहिर हैं, इसीलिए अपनी सीमा क्षेत्र में कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों पर ये आग के गोले बरसाने लगते हैं। लेकिन वर्तमान में इस जनजाति की जनसंख्या कितनी है, ये अभी तक एक अनसुलझा सवाल है। अनुमान के अनुसार इस जनजाति से संबंधित लोगों की संख्या कुछ दर्जन से 100-200 तक हो सकती है। इन द्वीप के वासियों के निकट जाने का अर्थ है अपनी जान जोखिम में डालना। किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप को ये लोग बर्दाश्त नहीं करते, इसीलिए इनके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी या संख्या या रिवाज या उनकी भाषा, रहन सहन आदि कैसे हैं, क्या हैं, कैसे लगते हैं, कुछ बात की भनक अभी तक नहीं है। वर्ष 2004 में आई भयंकर सुनामी के चलते अंडमान द्वीप तबाह हो गए थे। यह द्वीप भी अंडमान द्वीपों की श्रृंखला का हिस्सा है, लेकिन सुनामी का इस जनजाति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बात अभी भी कोई नहीं जान पाया है। सुनामी के बाद जब भारतीय तटरक्षक सेना ने वहां जाने का प्रयास किया तो इन लोगों ने हेलीकॉप्टर पर आग से तीर छोड़ने की कोशिश की। अक्सर इस जनजाति के लोगों को पाषाण काल की जनजाति भी कहा जाता है, क्योंकि तब से लेकर अब तक इनके भीतर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आ पाया है। शायद इसकी वजह इनके भीतर ग्रहणशीलता की कमी है और बाहरी दुनिया से ये दूरी रखने का स्वभाव। 1980 के आखिरी दौर में लोहे या अन्य धातुओं के खोज के लिए गए लोगों और इस जनजाति के सदस्यों के बीच हुई हिंसा में इस जनजाति ने बहुत अपने सदस्य गंवाए थे। हो सकता है कि इस वजह से इस द्वीप पर रहने वाले लोग अन्य इंसानों को अपना दुश्मन मान बैठे हैं और उन्हें अपने स्थान पर आने नहीं देना चाहते। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। और भी नए वीडियो हम इसी चैनल में लाने वाले हैं, तो प्लीज अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो ये चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये बिल्कुल ही फ्री चैनल है और हमारे नए वीडियो का इंतजार कीजिए और लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। और एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें बताइए।